नमस्कार दोस्तों, भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आज आईआरपीएस के साइट पे कैसे बैंक डिटेल्स और जीएसटी अपलोड अपडेट करते हैं उसके बारे में आज बताऊंगा। बेसिकली जब तक आप बैंक डिटेल्स और जीएसटी अपडेट नहीं करते तब तक आप कोई कहीं पर भी आप टेंडर नहीं भर सकते आफ्टर लॉगिन। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आईआरपीएस के साइट पे गया और मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड। यदि आपने मेरा रजिस्ट्रेशन का वीडियो नहीं देखा है जी, यहाँ पे ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कैसे करते हैं, तो आप इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके एरर का सॉल्यूशन क्या है उसके भी लिंक आपको डिटेल्स में दे दूंगा, जिसके रिगार्डिंग 2-3 वीडियोज है मेरे पास, जो आप वहां से उसका आपका एरर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में कैसे आफ्टर रजिस्ट्रेशन बैंक डिटेल्स को कैसे अपडेट करते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, और जीएसटी भी कैसे अपडेट करते हैं आईआरपीएस के साइट्स पे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं अटैच को डिजिटल सिग्नेचर को अटैच करूंगा। जब तक मैं डिजिटल सिग्नेचर अटैच नहीं करूंगा तब तक मैं लॉगिन नहीं हो सकता हूँ, तो मैं इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे पॉपअप आएगा, पॉपअप के बाद मुझे पिन देना पड़ेगा। जैसे ही पिन देंगे मेरा जो ये पोर्टल है आईआरपीएस का, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के लिए आपके सिस्टम में प्रॉपर सेटिंग होना चाहिए। यदि आपके सिस्टम में सेटिंग नहीं होगा तो ये पॉपअप नहीं आएंगे। जैसे देखिए, ये पॉपअप आया, तब तक नहीं आएगा जब तक आपके सिस्टम में प्रॉपर वे से सेटिंग नहीं होगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और स्मार्ट कार्ड का पिन आ रहा है, ओके करें, पिन डालिए, ओके कीजिए, आपका ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए, ये लॉगिन हो गया। ये एक आपको दे रहा है कि मोबाइल नंबर का आपको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में जाते हैं, राइट साइड में ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स। जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट के डिटेल्स में जाता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स मिलता है। ऑटोमेटिकली नाम, जैसे डीएससी में नाम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली यहाँ से नाम आ जाता है, बेनिफिशियरी नेम, वो आप वहाँ से चेंज नहीं कर सकते। इसलिए डीएससी बनाते वक्त भी आपको जो देखना है वो डीएससी देते वक्त ही करना पड़ेगा। बैंक डिटेल्स, जो आपका बैंक का नाम है, या आपका बैंक का नाम डालना है आपको। एड्रेस, एज ए बैंक अकाउंट में जो एड्रेस है वो एड्रेस, सिटी, और फिर आपका स्टेट, अकाउंट नंबर, एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन या जिप कोड जिसको बोलते हैं, आईएफएससी कोड अंडरस्टैंड करके आपको फिर से डिजिटली सिग्नेचर आपको करना है। ये अकाउंट देने का एक ही मोटो होता है, जिससे आपका जो भी आपका अकाउंट में ईएमडी जो आपको रिफंड मिलेगा वो इसी अकाउंट में वो लोग रिफंड करेंगे। इसलिए बैंक डिटेल्स अपडेट करना जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक डिटेल्स जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी टेंडर में बिडिंग नहीं कर सकते। आपको एरर आता रहेगा, बैंक डिटेल्स अपडेट कीजिए। जब तक बैंक डिटेल अपडेट नहीं होगा तब तक आपका बिडिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं। पर टेंडर भरने के लिए आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा। जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, फिर भी जीएसटी अपडेट करने का आपको बता देता हूँ, ताकि आगे आपको बिलिंग में कभी भी कोई भी इशूज नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूँ, एज ए स्टेटमेंट में जैसा एड्रेस है उस तरीके से आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस के बाद हमारे पास आता है सिटी, कौन से सिटी से आपका है ये बैंक अकाउंट, कौन से सिटी में है। तो मेरा मुंबई है, स्टेट महाराष्ट्र। यहाँ पे अकाउंट नंबर, जो मैं अकाउंट नंबर में मुझे अमाउंट रिफंड चाहिए ईएमडी का, वो मुझे यहाँ पे डालना है। आईएफएससी कोड, यदि आपको आईएफएससी कोड नहीं पता है तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको आईएफएससी कोड मिल जाएगा। और यदि नहीं तो बैंक स्टेटमेंट में भी रहता है आईएफएससी कोड, आप वहां से भी अपना आईएफएससी कोड डाल सकते हैं। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करूंगा, साइन एंड सबमिट, ओके। फिर से मुझे डिजिटली साइन करना पड़ेगा। डिजिटली जैसे साइन कर लूंगा उसके बाद मेरा ये बैंक डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का सेटअप आया, सेलेक्ट कीजिए, मेरा बैंक डिटेल्स अपडेट हो गया। अब देखते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे एड में देखते हैं तो बैंक डिटेल्स अपडेट हो गया। इसको मैं फिर से एडिट कर सकता हूँ यदि मुझे चेंज करना है तो। और इसके बाद आता है व्यू अपडेट जीएसटी डिटेल्स, उसके नीचे
तो आपको ये मैंडेटरी नहीं है, पर आप करके रखेंगे तो आपके लिए आगे आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप जीएसटी नंबर से अपना कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो अपना एड्रेस वगैरह डालिए, सब कुछ डालिए और जीएसटी का फाइल यहाँ पे नीचे अपलोड कर दीजिए और फिर से साइन एंड सबमिट कर दीजिए, आपका जीएसटी नंबर अपडेट हो जाएगा। जैसे जीएसटी नंबर अपडेट हो गया, आपका अकाउंट पूरी तरह से परफेक्ट हो गया, अभी आप देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं